इस बार दिवाली के लिए मैंने BDL पसंद किया है। डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी फोकस में है और आने वाले महीनों में भी अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। रिसेंटली स्टॉक में एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला था ईयरली हाई से, और अभी जैसे मोमेंटम ये स्टॉक पकड़ा है, देख के लग रहा है कि एक नया हाई छूने के लिए तैयार हो चुका है। मेरा टारगेट इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक 1450 से 1750 का है। 800 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चलने का सलाह होगा। ये स्टॉक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सिमी जी की इस बाइट में कुछ खास बात है दी? अच्छा, हाँ, इसमें जिसने नोटिस की नहीं की, नहीं की, जिसने नहीं की उनकी मैं क्लास लगवाऊंगा जब सिमी जी शो में होगी, और जिसने की है वो अभी से बता दे। देख लो एक बार फिर से चला रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि भाई हम देख नहीं पाए। हाँ। हम तो चार्ट में बिजी थे, हम तो नीचे देख रहे थे, हम तो आपका कोई सवाल आ जाए उसके लिए गूगल कर रहे थे। बहाने 50 होते लोगों के पास में। हाँ, कुणाल जी ने पहले हाथ खड़ा किया, तो कुणाल जी बताए सर। अनिल जी देखिए, बाइट तो मैं नहीं देख पाया लेकिन सुना अनिल जी मैंने। हाँ। और मुझे अनिल जी ऐसा लग रहा था कि जैसे रेडियो पर बोल रही हूँ अनिल जी। ओके सिमी जी। ओके। तो जैसे पहले अनिल जी रेडियो पर आवाज आती थी बिल्कुल वैसा ही लग रहा था अनिल जी, जैसे रेडियो कार्यक्रम चल रहा हो। ठीक है आशु जी। अनिल जी, मैंने सिमी जी को इतना डेक्ड अप पहले कभी नहीं देखा किसी भी इंटरव्यू पे ना बजट पे। जिस तरह से वो तैयार हुई हुई है, मेकअप किया हुआ है, ज्वेलरी डाली हुई है, और अनिल जी सबसे ज्यादा सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड है, इवन उनकी साड़ी का कलर और दीवार का कलर कोऑर्डिनेटेड है। नहीं देखो, दीवार का कलर तो उनका रोज सेम ही रहता है, आपने आज ही देखा रोज इसी दीवार के आगे वो बैठती हो, तो हम तो रोज शो करते हैं, बट प्रभु आपके चरण का है। सुपर्ब, बहुत बढ़िया। मतलब इनको धरती पे मत रखिएगा, बोला पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आशीष जी कैसे कैसे क्या मतलब, तो ये फैक्ट बात है। हाँ। ये 30 सेकंड की बाइट देने के लिए सिमी जी ने पूरे 2 घंटे लगाकर तैयारी की, रिसर्च में इन्हें नहीं, रिसर्च तो उनके बाएं हाथ का काम है। हाँ। तो बाकी तो आप समझ रहे। तो आशीष जी आपने जो ऑब्जर्व किया 100% सही, बहुत खत्म हुई। अब सिमी जी से डिस्कशन करने के लिए एकदम परफेक्ट जज बच गए आशीष जी। बंसल जी, अनिल जी अभी तो सिमी जी काफी बिजी हैं, अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी तो वो हिमांशु जी को ढूंढ रही हैं जिन्होंने बलरामपुर चीनी पे सेल खोल दिया। और ऐसा ये बात तो सही आपकी, और अगर सिमी जी आई जाए अपने पे तो हो सकता है आशीष जी भी साथ छोड़ दे, बोले जाने दो हिमांशु जी निपटते रहेंगे, मैं तो सिमी जी के साथ हूँ।